एक बार देवर्षि नारद ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, प्रहलाद जी नारायण भगवान से कहने लगे, प्रभु ये संसार बड़ा दुखी है, बहुत परेशान है, सब दुख पाते हैं। भगवान बोले, तुम्हें लगता है कि सब दुख पाते हैं, इनसे जाके पूछो, बड़े खुश हैं ये लोग। ये जहां जहां मैंने भेज रखे वहीं बड़े खुश हैं, छोड़ना नहीं चाहते। अरे बोले प्रभु ऐसा नहीं है, देखो बड़े दुखी हैं, इनका कल्याण करो, इनके ऊपर कृपा करो। बोले ठीक है, जाओ तुम ले आओ किसी को, हम कृपा करेंगे उस पर। तो प्रहलाद जी महाराज पृथ्वी पर आए और प्रहलाद जी महाराज ने देखा एक सुअर बड़े गंदे से नाले में पड़ा हुआ है और कीचड़ ही कीचड़ है, मलमूत्र बह रहा है उस नाले में, उसमें बड़ा खुश हो रहा है। तो प्रहलाद जी को लगा इससे ज्यादा दुखी कौन होगा, इसी को ले चलते। तो उन्होंने कहा कि ए तुम इसमें पड़े हो, हमारे संग चलोगे, हम तुम्हें भगवान के धाम ले चलेंगे। बोले भगवान के धाम ले चलोगे? बोले हाँ ले चलेंगे, चलोगे स्वर्ग लेके चलेंगे तुम्हें, और ज्यादा मन करेगा तो भगवान से भी तुम्हारा दर्शन कराएंगे, तुम दर्शन करना। तो बड़ा रेडी हो गया, हमें चलने को तैयार हूं। प्रहलाद जी के साथ सुअर जा रहा है। सुअर ने जब रास्ते में पूछा, बोले सुनिए एक बात बताइए, भगवान के धाम में ऐसा नाला है कि नहीं? जैसा ये नाला बह रहा है वैसा नाला वहां है कि नहीं? बोले पागल आदमी, भगवान के धाम में ऐसे गंदे नाले थोड़ी होंगे, भगवान का धाम बड़ा अच्छा है। बोले ऐसे नाले नहीं है? बोले नहीं। तो बोले मैं नहीं जा रहा। क्यों? बोले मेरा तो धाम यही है, मुझे जितना सुख इसमें है उतना सुख मुझे भगवान के धाम में नहीं है। भ्रष्टा खाने वाले कीड़े को, कीचड़ में पले बड़े की कीड़े को वहां से निकाल के लाओ, गंगा जल से स्नान करवाओ, रबड़ी खिलाओ उसे, ईमानदारी से बताओ खुश होगा कि सुखी होगा कि दुखी होगा? जोर से बोलो। और आपने क्या किया, उसे अच्छा खिलाया कि बुरा खिलाया? पर अच्छाई उसे हजम नहीं हुई क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। वैसे ही जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, वही कीचड़ के सुअर हैं। भ्रष्टा में तो खुश हैं लेकिन रबड़ी खाने का मन नहीं है, रसगुल्ला खाने के लिए तैयार नहीं है। जो भ्रष्टा का कीड़ा बन चुका है उसे आप कितना भी प्रयास कर लो अच्छा बनाने का, वो बनेगा ही नहीं, उसे अच्छाई बर्दाश्त होगी ही नहीं। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें अपने बच्चे भी वैसे ही कीड़े बनाने, सुअर बनाने, या मिष्ठान खाने वाले अच्छे मानव बनाने, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। रही बात जीने की, तो जीना तो सुअर भी चाहता है, हमने इसलिए उदाहरण दिया उसका, मरना वो भी नहीं चाहता। अरे और की तो बात छोड़ो, मच्छर भी मरना नहीं चाहता। तुम्हें कितने प्रयास करने पड़ते हैं मच्छर को मारने के लिए कि कभी हिट कर, कभी वो पंखा सा घुमाओ, यूं 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 करो, कभी गुड नाइट लगवाओ, और कभी पता नहीं अगरबत्ती जलाओ, 500 साधन करने पड़ते हैं तब भी चिपके तुम्हें काट जाता है वो। हां जी कि ना जी? मरना तो मच्छर भी नहीं चाहता, तो तुम कहां से मरोगे? 5 फीट के आदमी हो, तुम क्यों मरोगे भाई? लेकिन तुम जिंदे भी रहे तो क्या? अगर तुम जीवित रहते हुए भी भगवान का भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, अपने कल्याण की चिंता नहीं करते, झूठ बोलते हो, पाप करते हो, अपने ही विनाश की तैयारी करते हो, तो तुम जिंदा रहते हुए भी मरे के समान हो। जीवित मरे के समान हो, जीवित सब समान सो प्राणी, हम नहीं तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है मानव जीवन मिलने के बाद भगवान की भक्ति जम के करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? खूब करो, तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, बाल गोपाल हो, खूब, कोई बुराई नहीं है, खुद भी अच्छाई में लगो, बच्चों को भी अच्छाई में लगा दो।